अच्छा पेन ने को हाथ नहीं लगाया, भी आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। लेवल देखो हम क्या कर रहे हैं और क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, सोर्स सप्लाई हीट ऑफ क्या गिवन है, डी क्यू, वर्क डी डब्ल्यू गिवन है, क्या निकालना है, डी यू, तो लगा लो डी क्यू डी यू डी डब्ल्यू, सॉल्व करके क्या निकालना है, डी यू, माइनस कर लेना 800 आंसर है ठीक। हाँ जी हाँ जी, प्लीज देख लेना जाके, स्कैन करके लाया हूं मैं। नेक्स्ट बोलो, गिवन बिलो टू स्टेट, बोलो इफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज, क्या अगर हम हीट ऐड करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा पक्का, वो कह रहे हैं हाँ, वो कह रहे हैं ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, रह सकता है, रह सकता है, आइसोथर्मल प्रोसेस मान लो, आइसोथर्मल में टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है, हीट तो फिर भी लेता ही है वो, तो गलत स्टेटमेंट है। अच्छा सेकंड, इफ पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द सिस्टम, डी डब्ल्यू पॉजिटिव है तो क्या उसका वॉल्यूम पक्का इंक्रीज होगा, क्यों, वर्क डन क्या होता है, पी डी वी, जब डी वी पॉजिटिव है तो वर्क डन भी पॉजिटिव है, एक्सपेंशन होगा होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर निकाल लेना भी ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, दो कंटेनर्स है ए एंड बी, प्रेशर पी और वॉल्यूम वी, टेम्परेचर टी, ए गैस को कंप्रेस किया आइसोथर्मली 1/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम और बी गैस को एडियाबेटिकली कंप्रेस किया गया, तो आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ, और मोनोटॉमिक गैस है, रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ बी एंड ए, गैस की इक्वेशन लगा लो, तो आप पहले आइसोथर्मल की इक्वेशन लगाना, पी वन वी वन यानी पी इंटू वी इज पी डैश इंटू वी बाई 8, तो नया प्रेशर आ गया आइसोथर्मल में। एडियाबैटिक इक्वेशन लगाना, पी वी रेस टू पावर गामा इज नया प्रेशर इन टू वी बाई 8 रेस टू पावर गामा, तो यहाँ से वी की पावर गामा कैंसिल, पी वी डैश आ गया। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेशियो निकालनी है दोनों की, रेशियो में पी और पी कैंसिल आ गया, 8 रेस टू पावर गामा माइनस 1, मोनोटॉमिक गैस का गामा याद करके जाना है 5/3 आंसर, और अगर नहीं याद, और अगर नहीं याद तो ऐसे याद करेंगे, गामा इज इक्वल टू 1+2/ F, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है मोनोटॉमिक गैस की 3, तो गामा 5/3। बट आपको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन तो गैस की इक्वेशन भी पूछ रहा है वो, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्या क्या आंसर मार्क करेंगे, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, क्या क्वेश्चन है, गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, अच्छा बताओ पहला ऑप्शन, देयर इज नो हीट सप्लाई टू अ सिस्टम, ये ट्रू है बात, पर आपने फॉल्स बतानी है, ओके, क्योंकि एडियाबेटिक में हीट सप्लाई तो होती नहीं, ट्रू है, सही कह रहे हैं। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डी यू जीरो होगा, नहीं, एडियाबेटिक में डी यू कब जीरो होता है, आइसोथर्मल में जीरो होता है, तो यही फॉल्स है, बी आंसर सही, उम्मीद जग रही है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है स्टीम वाला, वैल्यू टू वैल्यू सेम है, डी यू निकालना था बॉइलिंग प्रोसेस में, स्टैंडर्ड वही क्वेश्चन डाल रखा है बॉइलिंग प्रोसेस वाला, डी यू निकालने का, याद है बॉइलिंग प्रोसेस में डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी यू निकाल लो, इससे गंदा क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी सिस्टम किसमें कॉन्स्टेंट रहती है, आइसोथर्मल, आंसर आइसोथर्मल, जीरो रहती है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर बल्क मॉडुलस फॉर्मुला रजिस्टर चेक करो, बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल का पी था, एडियाबेटिक का गामा इनटू पी था, यही फॉर्मुला था,
एडियाबैटिक का बल्क मॉडल्स चेक करो, गामा इनटू पी था फॉर्मूले में लिखा हुआ है, मैंने खुद लिखवाया है। तो एक बात बताओ, ये एक आइसोथर्मल कंडीशन पे प्रोसेस हो रहा है और ये जो इक्वेशन है पी वी रेज टू पावर थ्री इज अ कॉन्स्टेंट इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन है। देखो पहला शॉर्टकट है, अगर ये देखो एडियाबैटिक नहीं है, अगर ये एडियाबैटिक होता पी वी रेज टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट होता तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू पता है क्या होती, गामा इंटू पी हो जाती, मानते हो। लेकिन यहां पर कोई बात नहीं, गामा नहीं है, कुछ भी है तो गामा की तरह ही थ्री, तो आंसर सीधा क्या आएगा, गामा इंटू पी थ्री पी, कुछ करना ही नहीं है, गामा मान के उठा के थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा चलो नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, फिर ऐसा कर लो बल्क मॉडुलस होता क्या ये बता दो, माइनस डी पी डिवाइडेड बाई डी वी बाई वी माइनस डी पी बाई डी वी इंटू वी, ये बल्क मॉडुलस है, ध्यान आगे प्लीज, ये बल्क मॉडुलस है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, डी पी बाई डी वी, तो पी की वैल्यू क्या है, ए वी माइनस थ्री, एक काम करो दोनों तरफ डी बाई डी वी लगा दो, डी बाई डी वी लगा दो, ए वी माइनस थ्री, डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू, ए बाहर आ गया, माइनस थ्री वी की पावर माइनस फोर, पुट कर दो उठा के आंसर आ जाएगा थ्री पी। समझ में आ रहा है, टोटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, नीट और मेन दोनों में ही चल रहे हैं वैसे तो, ठीक है। तो प्रीवियस करके ही एक्सपीरियंस आएगा और कोई तरीका है ही नहीं एक्सपीरियंस लेने का। क्या है यार ये, क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है, एनसीईआरटी स्कूल वाले नहीं देंगे ये क्वेश्चन, एरिया निकाल दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ जी ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें, तो सिर्फ मेरा काम तो दिखाने का है, कराने का नहीं है। प्रीवियस ईयर सबके पास हैं, इसको प्लीज़ अपने अपने नीट और मेन वाले स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस आएगा। जितना हमने लेवल कर लिया थर्मो का उतना लेवल है नहीं वैसे, पर लेकिन आ भी गया कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस ईयर में मेन मेन क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बाकी सब नॉर्मल ईजी है, ट्राई करना।